नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। और गाइज, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको एक न्यूज़ दिखाई दे रही होगी जिस पर विश्वास करना आप लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन दोस्तों न्यूज़ यही है। सो गाइज, आप स्क्रीन पर देखिए, रीट परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, कौन है ये लोग जो रीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं? क्या है इनका कारण और क्या दोस्तों रीट की परीक्षा आगे हो सकती है स्थगित या फिर परीक्षा की जाएगी, वो सभी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। और गाइज, आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ एक और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रीट परीक्षा के आयोजन की तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग अभ्यर्थियों ने शुरू कर दी है। हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। ट्रेंड करवाकर अभ्यर्थियों ने अपनी मांग की और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि सरकार ने जल्दबाजी में परीक्षा की तिथि घोषित की। कोविड के कारण बीएसटी द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों की परीक्षाएं और उनका सेशन समय पर पूरा नहीं हो सका। यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले तो सरकार ने बीएड एवं बीएसटी द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बैठ रहे अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा में आवेदन करने के योग्य ही नहीं माना था। बार बार मांग करने के बाद उन्हें रीट में बैठने की स्वीकृति दी गई और उनके आवेदन के लिए लिंक खोला, लेकिन आनन फानन में बीएड एवं बीएसटी द्वितीय वर्ष की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया। यह परीक्षा 25 सितंबर तक समाप्त होगी और रीट की परीक्षा 26 सितंबर को होनी है। ऐसे में अभ्यर्थियों के समक्ष समस्या हो गई है कि रीट की तैयारी नहीं कर पाएंगे। यह दोस्तों उनका कहना है कि हम 25 सितंबर को बीएसटीसी और बीएड की परीक्षा होने वाली है और वहीं 26 सितंबर को हम लोग जो रीट की परीक्षा कैसे दे पाएंगे, यानी तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि रीट परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें समय दिया जाए। युवा हल्ला बोल राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष इरा बोस का कहना है कि सरकार को अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांग पर जल्दी यहां पर प्रसंज्ञान लेकर उचित निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों को समय रहते तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सो गाइस, ये कारण राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो रीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर कि बीएसटीसी और बीएड की परीक्षा 25 सितंबर को ख़त्म होने वाली, वहीं 26 सितंबर को रीट की परीक्षा है, तो उन बच्चों का कहना है कि हम लोग तैयारी करेंगे रीट की या फिर बीएसटीसी बीएड की। तो गाइस, सरकार इस पर जल्दी कोई निर्णय लेगी तो मैं आपको जरूर से बताऊँगा अपडेट। और गाइस, जैसे ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।